अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे, देखिए अभी जहाँ सेंट्रल इंडिया में स्पेसिफिकली राजस्थान, जहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में क्लाउड्स है, जहाँ ही मेन एक्टिविटी है, उसका रीजन क्या है कि अभी एक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में एक सर्कुलेशन बना हुआ है और आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट जहां ही वो परसिस्ट कर रहा है कुछ दिन, तो उसके प्रभाव से क्या है कि आज पंजाब और हरियाणा में कहीं ना कहीं वेरी हैवी रेनफॉल, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। हिमाचल में भी हो सकती है 12 सेंटीमीटर से ज्यादा, उसके साथ उत्तराखंड में भी होने का पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जैसे सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में है, उसके प्रभाव से ईस्ट राजस्थान में भी आज वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है और बाकी रीजन में एडजॉइनिंग एरिया में आइसोलेटेड हैवी मेन 6 से 12 सेंटीमीटर होने का अनुमान है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी अभी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रही है और आज चलती रहेगी, उसके साथ ज्यादातर हिस्सों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का अनुमान है और हो सकता है कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल मीन 6 सेंटीमीटर से ज्यादा भी आ जाए, इसलिए आज एनसीआर दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल इसमें थोड़ी कमी आएगी लेकिन कल भी येलो अलर्ट है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल जो यूजुअल फिनोमिना है आने वाले 6-7 दिनों में रहेगा। अगर आप साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट यह है कि जो मानसून ट्रफ है काफी हद तक नॉर्थ में है, वेस्टर्न एंड नियर नॉर्मल है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ मीन ऑलमोस्ट वो भी नॉर्मल नियर नॉर्मल ही है, लेकिन जो एक और पैटर्न बना हुआ है सर्कुलेशन से ट्रफिंग है जो टूवर्ड्स बांग्लादेश तक है, तो उसके कारण ये एक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आने वाले 6-7 दिनों में रहेगा। और इसके अलावा अगर आप नीचे की बात करें जहां तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर, कर्नाटका, केरला, जहां भी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल रहने का हमारा आने वाले 2-3 दिनों में अनुमान है, तमिलनाडु में आज घाट एरिया में कुछ पॉसिबिलिटी है वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है। देखिए रेड अलर्ट जनरली हमारा आज कहीं नहीं है, ऑरेंज अलर्ट ही है। हालांकि हमने आज जैसे मैंने कहा कि ये एक ट्रफ जा रहा है जहां सर्कुलेशन से लेके बांग्लादेश तक और हवाएं जहां से भी वो बंगाल से जा रही हैं, तो उसके प्रभाव से आज मेघालय में कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा। लेकिन ओवरऑल हमारा जहां के लिए भी इसका वो देखते हुए इंटेंसिटी ऑरेंज अलर्ट ही है, लेकिन ईस्ट राजस्थान में हमने वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग दे रखा है, लेकिन वहां पे कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, इसके लिए वहां आज प्रिकॉशन लेने का जरूरत है, रेड अलर्ट है। सिमिलरली हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, इवन पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए भी हमारा आज उन एज ए सब डिविजन, तो हम जहां पूरा सब डिविजन को ऑरेंज अलर्ट देते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखेंगे तो नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।